मलाई पनीर टिक्का, ये खाने के अंदर बहुत ही स्वादिष्ट रहता है। हो सकता है आपने भी कई बार इसे ट्राई किया हो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ शेफ अशोक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल रेसिपीज़ के अंदर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा मलाई पनीर टिक्का का मैरिनेशन बनाना। एक बहुत ही आसान रेसिपी है दोस्तों। देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ इंग्रीडियंट्स इकट्ठे करके रखे हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने कर्ड लिया है। कर्ड को दोस्तों मैंने यहाँ पर 500 ग्राम कर्ड लिया था, उसको हैंग करने लटका दिया था। तो करीब उसके अंदर 250 ग्राम जितना कर्ड बच गया और पानी सारा निकल गया। फुल मैं हैंग नहीं किया, मैंने फुल हैंग करने के लिए 3-4 घंटे लटकाना पड़ता है। मैंने करीब आधे घंटे तक लटकाया। साथ में यहाँ पर थोड़ा सा कस्तूरी मेथी लिया है मैंने, हल्का सा इलायची पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट लिया है, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे हम, एरोमेट पाउडर 1 छोटा चम्मच, साथ में थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, शुगर और केसुनट लिया है। यहाँ पर केसुनट दोस्तों मैंने करीब 100 ग्राम लिया है केसुनट। चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, केसुनट के अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे, यानी इसको पानी के अंदर डुबो देंगे। वार्म वाटर डालेंगे हम इसके अंदर और 10 मिनट तक मैं इसे रेस्ट दे दूंगा। 10 मिनट रेस्ट देने से होगा ये कि हमारे केसुनट सारे सॉफ्ट हो जाएंगे। देखिए, यहाँ पर 10 मिनट बाद देखते हैं सारा केसुनट हमारे बढ़िया से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम एक काम करते हैं, इन सबको मिक्सी के अंदर डाल देते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर केसुनट ऐड करूँगा इसमें, साथ में दोस्तों मैं ऐड कर लूँगा कर्ड। कर्ड जो मैंने लिया है ना, सारा ऐड नहीं करेंगे, हल्का सा बचा लेंगे और बाकी मैं इसमें ऐड कर लूँगा। तो चलिए, यहाँ पर मैं इसके अंदर कर्ड ऐड कर लेता हूँ, बस थोड़ा सा और डालूँगा, ये बस ये इतना सा मैं बचा लूँगा। और दोस्तों, साथ में मैं इसमें डालूँगा थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। जी हाँ, मस्टर्ड ऑयल तंदूर का मैरिनेशन का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो चलिए, इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल देते हैं, करीब 1 चम्मच जितना, और मिक्सी का ढक्कन लगा कर मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगा, मिक्सी के अंदर बढ़िया सा पीस लूँगा। चलिए, मैंने यहाँ पर अच्छे से इन्हें पीस लिया, देख सकते हैं आप, बहुत ही बढ़िया और एकदम स्मूथ पेस्ट बन चुका है हमारा। ये देखिए, इसकी थिकनेस देखिए, बहुत ही बढ़िया थिकनेस भी आ चुकी है और एकदम स्मूथ हमारा, बिल्कुल कहीं भी इसके अंदर लम्ब्स नहीं है। तो चलिए, इसे एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। मैं अच्छे से इसके निकाल के एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे दूसरे इंग्रेडिएंट्स। चलिए, यहाँ पर दोस्तों देखिए, मैंने फ्रेश क्रीम लिया है, करीब 2 चम्मच जितनी फ्रेश क्रीम लिया है। तो दोस्तों, सारी मैं इसके अंदर ऐड कर लेता हूँ। साथ में मैंने लिया है यहाँ पर इलायची पाउडर, सारा इसमें डाल देते हैं, बहुत थोड़ा सा लिया था। ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 छोटा चम्मच डाल देंगे। कस्तूरी मेथी दोस्तों, हम कस्तूरी मेथी रोस्टेड भी यूज करते हैं, तो इसे हाथ के अंदर अच्छे से मसल कर डालेंगे ना, तो इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। साथ में यहाँ पर 1/2 छोटा चम्मच मैंने एरोमेट पाउडर लिया है, ये डाल देते हैं इसके अंदर। शुगर 1 छोटा चम्मच शुगर डाल देंगे और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल इसमें डाल देते हैं। दोस्तों, तंदूरी आइटम में मस्टर्ड ऑयल के बिना अधूरे रहते हैं, तो मस्टर्ड ऑयल डालकर विस्कर की सहायता से मैं इन्हें बढ़िया सा विश कर दूंगा। दोस्तों, मैं इसे बहुत ही अच्छे से विश कर दूंगा। विश करने के बाद में हमारे इसके अंदर कहीं भी लम्ब्स नहीं रहने चाहिए। वैसे ही मैंने मिक्सी के अंदर अच्छे से पीस लिया था, तो इसमें कोई भी लम्ब्स नहीं था और सारे इंग्रीडियंट्स को मैंने इसमें अच्छे से मिला लिया। बहुत ही स्वादिष्ट सा वाइट मैरिनेशन बन के तैयार है। ये हमारा जो मलाई पनीर टिक्का वगैरह और बनाते हैं ना, जो भी मलाई का आइटम, उसके अंदर ये काम आता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वाइट मैरिनेशन की रेसिपी। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब।